गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पिंकी योगी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी। आपको एमए फाइनल का फिफ्थ पेपर अप्रोचेस टू वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ा रही हूँ। इसमें हम अपने सिलेबस का टॉपिक एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ रहे हैं, जिसे हिंदी में अस्तित्ववाद कहते हैं, और इसमें हम हमारे दार्शनिक हाइडेगर को पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने हाइडेगर का शून्यता की अनुभूति विचार पढ़ा था। दरअसल हमने ये देखा था कि मानव के अस्तित्व को कई मानवीय अस्तित्व की विधाएं एक रूप देती है, उसमें शून्यता की अनुभूति भी एक विधा थी। आज हम ये देखेंगे कि जगत में मानव जैसा व्यवहारिक जीवन जीता है, या उसका व्यवहारिक जीवन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे। जैसे मैंने आपको प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता के बारे में भी बताया था, जब मानव अपनी मानवीय गरिमा के अनुसार जीता है, अपनी विशिष्टता को पहचान कर जीता है, तो वो उसका प्रमाणिक जीवन कहलाएगा, और अगर वो इससे पलायन करता है तो वो अप्रमाणिक जीवन कहलाएगा। हमने ही देखा था कि मानवीय अस्तित्व का विश्लेषण एक तो सत्ता मीमांसा स्तर पर होता है, जो हमने देखा कि जगत में मानव का अस्तित्व से हमारा क्या मतलब है। वहाँ हमने जगत से देखा, जगत से हाइडेगर का क्या मतलब होता है, और मानवीय अस्तित्व से हाइडेगर का क्या मतलब होता है। जगत में मानवीय अस्तित्व से हमने बताया था कि वो जगत जो हमें अनुभूत होता है, हाइडेगर उससे जगत का मतलब लेता है। और मानवीय अस्तित्व की विधाओं में हमने देखा कि उसने कई विधाओं के बारे में बताया था, जो हमने 5-6 विधाएं पढ़ी थी। आज हम ये देखेंगे कि व्यवहारिक स्तर पर या अनुभवों के स्तर पर मानव अस्तित्व क्या है या मानव जीवन क्या है। तो हाइडेगर कहता है कि अगर हम अनुभव के स्तर पर मानव अस्तित्व की बात करें, तो वो एक अप्रमाणिक अस्तित्व कहलाता है। ठीक है, इसे अप्रमाणिक अस्तित्व की कैटेगरी में मानेंगे। अप्रमाणिक अस्तित्व को एक तरीके से हम दो तरीके से बोल सकते हैं, कि एक तो अमानवीयकरण हो गया है जीवन का, एक मानव की गिरावट की अवस्था आ गई है। अमानवीयकरण का मतलब होता है कि मनुष्य अपनी गरिमा को छोड़ चुका है, अपने स्वभाव से मानव स्वभाव को भूल चुका है। और गिरावट की अवस्था मतलब होता है कि वो मानव की स्थिति से गिर के वस्तु की स्थिति में आ गया, मतलब अपनी चेतन अवस्था से गिर के अचेतन अवस्था में आ गया। हालांकि दोनों का मतलब एक ही है, जब मानव अपने स्वभाव से पलायन कर जाता है तो वह अचेतन वस्तु की तरह या एक मशीन की तरह बिहेव करने लगता है, और अगर वो गिरावट की अवस्था में भी अपने मानव स्वभाव को छोड़कर, अपनी चेतना को छोड़कर अचेतन स्तर पर आता है या वस्तु के स्तर पर आता है, तो दोनों का मतलब लगभग एक ही है। अब हम ये देखते हैं कि मानव जब गिरावट की अवस्था में आता है तो किस तरीके के लक्षण होंगे जीवन के, जिसे हम ये कह सकते हैं कि मानव अमानवीय जीवन जी रहा है। जैसे कुछ लक्षण उसने बताए हैं मानवीयकरण के, कि एक ही जैसी ज़िंदगी हम बार बार जीते हैं, हर रोज़ एक जैसा जीवन जीना, ठीक है, एवरीडेनेस कहते हैं इसको। दूसरा, हम एक औसत दर्जे का जीवन जीते हैं, हम हमारे विशिष्ट स्वभाव को पहचान कर कुछ अलग नहीं करते, बल्कि वैसा ही एक जीवन जीते हैं जैसा शेष समाज जीता है, ठीक है। इसके अलावा वो ये कहता है कि हम अपने आप को शेष समाज के हिसाब से ढाल लेते हैं। इसे उसने सार्वजनिकरण कहा है खुद का, कि जैसे बाकी लोग जिस परंपरा, जिस लीक पर चलते हैं, खुद को भी उस लीक पर मानव जब ढाल लेता है अपनी विशेषता को छोड़ के, तो वो एक तरीके से अमानवीय जीवन जीता है। तो ये उसने अमानवीय जीवन के लक्षण बताए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा मानव अमानवीय जीवन जीता क्यों, क्यों वो अमानवीय जीवन को चुन लेता है, अप्रमाणिक जीवन को चुन लेता है, अमानवीय जीवन जिएगा जिससे उसका अस्तित्व अप्रमाणिक हो जाता है, तो वो ऐसा क्यों करता है। देखिए, मानव के कुछ ऐसी स्थितियां हैं उसकी, कुछ ऐसी समस्याएं हैं उसके लिए, जिनकी वजह से वो एक अमानवीय जीवन, जिनके अपने अस्तित्व को अप्रमाणिक बना लेता है। जैसे मानव को एक दिन मरना है, ये बात उसके अंदर डर पैदा करती है, और वो किसी ऐसी चीज़ की कल्पना करने लग जाता है जो ये उसे ख़त्म ना करे, बल्कि उसे ज़िंदा रहने या उसे अमर बनने की एक सांत्वना देता है। जैसे अमर आत्मा की बात करते हैं, कि आत्मा अमर होती है, अजर होती है, ये है क्या, ये महज एक कल्पना है जो मानव ने गढ़ ली, इससे उसे सांत्वना मिलती है, और एक वो जो मृत्यु का भय है वो उसे ऊपर उठ जाता है। इसके अलावा एक दिक्कत मानव के साथ ये होती है कि उसे चिंता होती है कि मेरे भविष्य में क्या होगा। जैसे हमने मानव अस्तित्व की एक विधा देखी थी कि मानव आगे ही आगे जीता है, तो उसे चिंता होती है कि मेरा ये कार्य कैसे होगा, तो ये उसके अंदर बेचैनी महसूस करती है और उसको व्याकुल बना देती है। इससे भी मानव बहुत घबराता है, और वो कोशिश करता है कि वो इस चिंता से मुक्ति पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने लिए कोई रास्ता ना चुने, जैसा सब लोग करते आ रहे हैं वैसा करें। इसके अलावा एक और मानव के साथ स्थिति है कि वो समाज में जैसे
फेंक दिया गया है, जैसे हमें हमारी मर्जी से जन्म नहीं दिया गया, हम बस इस दुनिया में आ गए। तो इसे अस्तित्ववादियों ने इस तरह कहा गया कि इंसान को जगत में फेंक दिया गया है, और उस अब जब उसको फेंक दिया गया है तो उसे जीना है इस जगत के साथ। जितनी भी समस्याएं हैं, जिनके लिए वो जिम्मेदार है या नहीं है, आगे होगा ये तो बात की बात है, लेकिन पहले उसको उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसे अपने फेंके हुए का बोध होता है कि मुझे जगत में मेरी मर्जी के बिना लाया गया, मुझे फेंक दिया गया। इसके अलावा एक तथ्यता बहुत बड़ी चीज़ है जिसके साथ मानव को जीना होता है, वो है कि एक तो मानव होता है कि मैं हूँ, दूसरा ये जगत है और मुझे इस जगत में रहना है। इसकी सारी ये दोनों फैक्ट कभी नहीं चेंज हो सकते, ना आप अपने अस्तित्व को ना आप अपने होने को नकार सकते हैं, ना आप उस जगत के होने को नकार सकते हैं, और ना इस बात को नकार सकते हैं कि आपको उस जगत में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दिक्कतें हैं, उन सब के साथ आपको उसमें जीना है। तो ये तथ्यता है। तो ये चार चीज़ें, फेंके हुए की अनुभूति, मृत्यु की अनुभूति, चिंता और तथ्यता, ये चार ऐसी परेशानियां हैं या चार ऐसे लक्षण हैं जिनसे मानव इतना घबरा जाता है, इतना बेचैन हो जाता है, निराश, हताश, परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, कि वो एक ऐसा जीवन जी लेता है जिसमें कोई विशिष्टता नहीं होती, जो एकदम औसत दर्जे का जीवन होता है। और उसके अस्तित्व, इससे उसका जो अस्तित्व बनता है, पहली बात तो उससे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बनता, क्योंकि उसे अपने होने का बोध ही नहीं है। इससे जो स्थिति बनती है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं अप्रमाणिक जीवन की स्थिति है। अब चूंकि अप्रमाणिक जीवन के बारे में हाइडेगर ने बता दिया, तो अब हमारे सामने है कि वो प्रमाणिक जीवन किसको मानता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हाइडेगर ये बताएगा कि वो प्रमाणिक जीवन किसे मानता है। थैंक्स।